हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए हेयरबैंड बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हेयरबैंड बनाई हूँ पिंक कलर में। ए 1 से 2 इयर्स की बेबी के लिए मैं हेयरबैंड बनाई हूँ। बहुत ही सुंदर है, डिजाइन लग रही है इसकी। यहाँ पर देखिए फ्लावर में बनाकर स्टिच की हूँ। देखिए डिजाइन देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतना ही ईजी इसे बनाने में है। बहुत ही आसानी से डिजाइन जो है बन जाती है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या बनाना है, क्या देखना पसंद करती हैं, उसके अकॉर्डिंग में बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हेडबैंड के डिजाइन में बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगी। आइए देखिए फ्रेंड्स, मैं हेडबैंड की डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए पिंक कलर का मैं ऊन ली हूँ और 11 नंबर के मैं कुर्सी यूज कर रही हूँ। और देखिए ये जो ऊन है, ये बेबी ऊन इसे बोलते हैं, ये थोड़ी सी पतली है इसीलिए इसको मैं डबल करके बना रही हूँ। आप इसे 4-ply के ऊन से आसानी से बना सकती हैं। तो पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूंगी। गांठ लगाने के बाद मैं 11 चैन बनाऊंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए 11 चैन में बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चैन छोड़कर 6 चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1, 2, 3। और इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पर मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, 2, 3। देखिए इस तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी ये लास्ट चेन में। और डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए इसे मैं बैक साइड से घुमा लूंगी और यहाँ पे मैं देखिए 1, 2, 3 चेन बनाऊंगी। इसके बाद देखिए ये बीच में मैं 3 चेन बनाकर मैं गैप छोड़ी थी, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2, 3। इसके बाद मैं यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3। और सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3। और इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी लास्ट चेन में और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए फ्रंट साइड से पलट लूंगी। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और देखिए ये 3 चेन बनाकर मैं गैप दी थी, इस जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो देखिए जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकेंड रो में बनाई हूँ सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। तो आप जिसके लिए बनाती हूँ उसके सर के गोलाई के अकॉर्डिंग में सेम इसी तरह से बनाते हुए आप कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैं सर के गोलाई के अकॉर्डिंग में देखिए लंबी मैं बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इसे इस तरह से आएगी। आप सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए इसे मैं ज्वाइन कर लूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी। यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी। और देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए ज्वाइन कर लेनी है। देखिए ये जो बीच में मैं 3 चेन बना के छोड़ी थी वहां पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ज्वाइंट हो गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 1 चेन बनाकर ये उनको मैं कट कर लूंगी। ये जो धागे दिख रही है इसको अच्छे से मैं अंदर कर लूंगी ताकि ये धागे दिखे नहीं। धागे हमेशा थोड़ी सी लंबी करके कट करनी चाहिए क्योंकि उनके गांठ जो है बहुत ही आसानी से खुल जाती है। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं फ्लावर बनाकर सुई से स्टिच कर लूंगी। देखिए मैं पिंक कलर से मैं फ्लावर बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं सर्कल की तरह मैं शेप बनाऊंगी और यहाँ पे मैं 5 चेन बना लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए डबल क्रोशिया सर्कल में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी और दोबारा देखिए सर्कल में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए छोटी छोटी लूप्स बन रही है। तो 1, 2 लूप्स बन गई है। सेम इसी तरह से पूरी मैं 6 लूप्स में बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी 1, 2, 3, 4, 5 लूप्स में कंप्लीट की हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूंगी तो ये 6 लूप्स बनकर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से 6 लूप्स बन गई है और ये जो धागे है इसको मैं खींच के टाइट कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे मैं 1 चेन बना लूंगी और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया ये फर्स्ट लूप से मैं क्रोशिया डालूंगी और इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए 1, 2, 3, 4 और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बीच में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए दूसरी लूप में क्रोशिया डालूंगी और 4 डबल क्रोशिया बना लूंगी। 1, 2, 3, 4। इसके बाद देखिए ये जो मैं डबल क्रोशिया बनाई हूँ इसके बीच में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। तो देखिए 2 लूप्स में 2 पंखुड़ी इस तरह से बन गई है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 6 पंखुड़ी बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 6 पंखुड़ी बनाकर मैं कंप्लीट कर ली हूँ।
यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं 5 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं बैक साइड से क्रोशिया डालते हुए सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद मैं 5 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, और बैक साइड से इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी। देखिए बैक साइड से लूप्स बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 6 लूप बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 6 लूप में बैक साइड से बनाकर मैं कंप्लीट कर ली हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी फर्स्ट लूप में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद मैं डबल क्रोशिया इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी फर्स्ट लूप में और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद मैं क्रोशिया पर मैं 2 बार धागा लूंगी और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए 3 मैं डबल क्रोशिया बनाई हूँ और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई हूँ क्रोशिया पर 2 बार धागा लेते हुए। इसके बाद मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डाल लूंगी दूसरी लूप्स में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद मैं सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी दूसरी लूप्स में और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। तो जैसे कि मैं फर्स्ट पंखुड़ी में बनाई हूँ दूसरी रो में, सेम उसी तरह से बनाते हुए मैं 6 पंखुड़ी बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 6 पंखुड़ी बनाकर मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई ये फ्लावर। इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूंगी और 1 चैन बनाकर ये उनको मैं कट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर इस तरह से बनाकर मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद इसमें मैं सुई से स्टिच कर लूंगी, इसमें बीच में मोती डालूंगी। तो स्टिच करते वक्त मोती मैं इसमें लगा लूंगी और यहाँ पर देखिए ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के जगह पर ही इसे स्टिच करूंगी ताकि ज्वाइंट भी नहीं दिखेगी। देखिए इस तरह से, देखिए सुई पे पतले धागे डाली हूँ, आप चाहे तो उनसे भी इसे स्टिच कर सकती हैं। और देखिए मैं इस तरह की मोती में ली हूँ। यहाँ पर देखिए बीच में पहले मैं मोती लगा लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में इसे चारों साइड से अच्छे से स्टिच कर लूंगी। देखिए फ्लावर को मैं अच्छे से स्टिच कर ली हूँ। देखिए इस तरह से हेडबैंड बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर ये हेडबैंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी डिजाइन भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करें बनाए
और बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। और आपको जहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है वहाँ पर फोटो आप क्लिक करके फेसबुक पेज पर मेरा आप फेसबुक पेज पर डाल सकती हैं, ताकि मैं देखकर आपको अच्छे से बता सकूंगी कि हाँ यहाँ पे इस तरह से बनेगी। देखिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।